हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप नागी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, कि आपके पास दो पॉइंट गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस पता कर लो। कैसे पता करते हैं? बहुत से मिथ होते हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं। प्रूव करना सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला तो मुझे भी पता है, तुम सबने रट रखा होगा। कैसे प्रूव करते हैं, क्या क्या बातें थोड़ी सी ध्यान में रखें कि प्रूव बहुत ईजिली हो जाए। और प्रूव में कुछ ऐसी बड़ी बात भी है नहीं, बट कुछ बातें हैं जो बताने लायक हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट हैं, तो अज्यूम ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, चलो नई स्लाइड ले लेते हैं। मान लो एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक x होगा और एक होगा y। दूसरा पॉइंट है R, जिसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई होते हैं, बट दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना। तो हम इसको नाम दे देते हैं एक्स वन और वाई वन, इसका नाम दे देते हैं एक्स टू और वाई। क्या बात समझ आई? ठीक। अब हमें ऐसे देखो, अब जब आप लाइन ड्रॉ करो तो ओबियसली दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस प्लस का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। बात समझ में आती है? मैं अज्यूम करता हूँ, सिंस हम यहाँ पे एक बात अज्यूम करेंगे कि जो एक्स और वाई वन है, एक्स वन और वाई वन और एक्स टू और वाई टू, ये जो डिस्टेंस है भाई, ऑब्वियसली एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है पी फोर कोमा फाइव, और दूसरा पॉइंट आर ये भी हो सकता है सिक्स कोमा नाइन। पहली बात। दूसरी बात, क्या पी पॉइंट ऐसा हो सकता है टू कोमा थ्री, और आर पॉइंट है जो हो सकता है वन कोमा टू। तो कहने का मतलब है जो x1 y1 है, x2 y2, इनमें क्या रिलेशन, थोड़ा सा ध्यान रखें हम। तो जब आप प्रूव करते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, जो जो बात लिखनी होती है वो समझा रहा हूँ। ये प्लस प्लस और ये सब हटा रहा हूँ। आपको इस टाइप से इसको देखना है कि x1 x y1 छोटे रहे x2 y2 से। कैसे, क्यों और क्या, सब बातें बताऊंगा। आपने लेट किया, लेट x1 इज लेस देन x2 एंड y1 इज ऑल्सो लेस देन y2। अच्छा, ये क्यों लिखा है मैंने देखो। अगर मान ले मेरे पास x1 y1 छोटा है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब मेरा कहने का मतलब है कि x1 डिस्टेंस कौन सी है, ये कौन सी डिस्टेंस है, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, y1। और ये डिस्टेंस कौन सी बेटा? x1, छोटी वैल्यू है। अब मैं R पॉइंट थोड़ा सा यहाँ दूर ले लेता हूँ, ये मेरा पास क्या हो गया x2 y2। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये गैप है, ये मेरा क्या है y2, और ये वाला गैप क्या है बेटा मेरा x2। तो आपको लग रहा है x1 से बड़ा है x2, y1 से बड़ा है y1 से बड़ा है y2। मुझे गैप डिस्टेंस कौन सा निकालना है बेटा? ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है। तो डिस्टेंस या तो पी आर निकालोगे या फिर आर पी, बात दोनों एक ही है। ये सुनो भाई, डिस्टेंस एक ही है। आपको यहाँ पे कई बार ये भी देखना होगा कि अंडर रूट पी आर निकालो वो किसके इक्वल हो, अंडर रूट आर पी के इक्वल हो सकता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ पी आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ आर पी। मतलब पावर पावर लगाओ, कुछ भी लगाओ, दो चीज़ें इक्वल है तो उनकी पावर, उसका हाफ, उसका डबल, सब कर सकते हो। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में काम आएगी ये वाली बात। ठीक है, इसको मैं यहीं रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये गैप निकालना है। तो क्या मैं बेटा ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पी पॉइंट से इस वाली लाइन पे, ये 90 डिग्री पे जा रही थी ना आर, यहाँ पे लिखता हूँ एम और एन। देखो ये सब 90 डिग्री होते हैं, तो तुम्हें भी पता होगा, इतनी बात तो याद होगी थोड़ी बहुत। इधर ले लेते हैं पी क्यू ले लिया, क्या ले क्या ले क्या ले टी एस ले लेते हैं चलो। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, आर एस परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड आर एस, दोनों साथ में लिख देता हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा ना ये बातें थोड़ी समझने लायक है, आर एस एंड पी टी ये दोनों परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली आप लिखेंगे पी एम एंड आर एन बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये प्रूव लिखवाना सिखा रहा हूँ, क्या क्या बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या क्या नोटेट करनी चाहिए। बाकी देखो, अब मैंने क्या किया, एक वाई टू जो गैप था, ये जो वाई टू है ना, ये डिस्टेंस है, इस वाई टू पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई टू, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, एक्सिस नहीं लिखेगा, ये एक्स लिख देना, यहाँ पे एक्स डैस लिख देना, ये छोटे वाई डैस है, यहाँ ओ पॉइंट है और यहाँ पे वाई है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, कि मैंने इस पॉइंट से, पी पॉइंट से इस आर एन वाली लाइन पे एक पॉइंट लिया है आर एक्स। तो ये जो पी एक्स मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है ऑन आर एन। ठीक है, इसका मतलब जब परपेंडिकुलर हुआ तो ये जो पी एम एन एक्स, ये क्या बन गया, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये तो बचा ही परपेंडिकुलर, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना जिसके अंदर तीन एंगल 90 के, तो ऑब्वियसली चौथा भी 90 का ही होगा। तो आर एम एन एस इज ए रेक्टेंगल बन गया सर। ओके, बात समझ में आ गई।
ठीक है। तो मैंने कहा ये अगर वाई वन है तो नीचे वाली लाइन भी क्या होगी, वाई वन होगी, तो ये वाला गैप भी वाई वन ही होगा। ओके, तो आपने कहा सर ये वाला गैप कितना होगा ये बता दो हमें। तो मैंने कहा देख, अगर मैं इस वाई डैश लाइन को थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊं, देखो जिसको समझना है वो बैठे रहे और जिसको थोड़ी जल्दी है वो सर जा सकता है, यार तकलीफ मत लिया करो इतनी। अब कोई मुझे बताएगा कि ये गैप कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलेंगे एक्स वन। मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितना है, आप बोलेंगे एक्स टू। तो मैंने कहा भाई इन दोनों के बीच में कितना बचा, तो आपने कहा बड़ा एक्स टू है, उसमें से माइनस कर लेते हैं एक्स वन को। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कहूँ ये इतना सा वाई वन है, इतना सा क्या है वाई वन है, और ये पूरा वाई टू, तो ये इतना क्या बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलेंगे बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर लो। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई टू माइनस वाई वन और यहाँ पे लिख दूँ एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्यों लिखा? मैंने कहा देखो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है पी एक्स आर, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देख लो इसको अच्छे से, रेड पेन ले लो भाई, रेड पेन रेड पेन, ये रहा रेड पेन, क्या आपको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल आर पी एक्स आर इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल बना के कंफ्यूज करना चाहते हो, तो क्या आप मुझे बताओगे ये आपका एक ट्राइंगल है 90 डिग्री यहाँ है, ये एक्स है, ये पी है, ये आर है, अलग बना लूँ, अब उधर तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये वाली जो गैप है ये क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वाला गैप कितना है वाई टू माइनस वाई वन, हमें क्या निकालना है ये वाला गैप निकालना है पी आर। तो पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये एज ए बेस कंसिडर कर सकते हैं, इसको एज ए परपेंडिकुलर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या कहेंगे सर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है, स्क्वायर रूट, बेस का मतलब है यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हाइपोटेन्यूस को आप क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, मतलब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हैं दो पॉइंट्स के, उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स टू माइनस एक्स वन करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। देखो ये फॉर्मूला रटना भी ईजी हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मतलब बीच में प्लस आएगा और स्क्वायर रूट का साइन लगेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस से हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से हम हाइपोटेन्यूस निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का साइन लग गया। एक बात याद आई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, बेस क्या होता है, दिमाग में फोटो बनाओ, बेस क्या होता है नीचे वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन का मतलब एक्स एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर वाई वाली लाइन होती है, बड़ी वाली खड़ी वाली लाइन होती है, परपेंडिकुलर बड़ा ऐसे तो होता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, बेस स्क्वायर मतलब बेस का डिफरेंस, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का डिफरेंस, मतलब वाई एक्सिस का डिफरेंस और एक्स एक्सिस का डिफरेंस, खत्म फॉर्मूला। ये एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के, वाई टू माइनस वाई वन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। अब ये पॉइंट जो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कहने का मतलब क्या है, एक नई स्लाइड ले लो, यहाँ समझा देता हूँ। देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई टू का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा बोल सकते हैं, ई लगा दिया, ये बुक में लिखा होता इसलिए मैंने ई लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज तो ए तक ही होती है। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं और एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। देखो मैं कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर प्लेन है सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन है, तो पॉइंट एक यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे निकालोगे, तो आप इस पॉइंट को ए अज्यूम कर लो और इस पॉइंट को बी। अब आपका मन है चाहे इसको आप एक्स वन वाई वन लो और इसको आप एक्स टू वाई टू लो, तो भी आंसर वही आएगा। अगर आप ऐसा करते हो कि इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हो एक्स टू कोमा वाई टू और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हो एक्स वन कोमा वाई वन, तो भी आंसर वही आएगा। क्लियर है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, पहली बात, किधर भी हो कार्टेशियन प्लेन में चलेगा फॉर्मूला। अब थोड़ी सी बात इसने और नहीं बताई है कि अगर ओ ओरिजन है और पी एक्स वाई है तो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कहने का मतलब है एक पॉइंट ओरिजन पे, तो ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कोमा जीरो। एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स कोमा वाई ऐसे लिख देंगे। अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से समझने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन ले लो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू ले लो। तो आप क्या लिखेंगे, देखो हमेशा वैल्यू जब लिखेंगे अपन तो थोड़ा सा लिखेंगे कि एक्स वन क्या होगा जीरो और इसके साइड में लिख दो एक्स टू क्या होगा एक्स, नीचे वाली लाइन में फिर लिखो वाई वन क्या है जीरो और वाई टू क्या है वाई। अब देखो जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो ओपी लगाओगे, अंडर रूट में लिखोगे एक्स टू, तो इधर वाली वैल्यू में से इधर वाली वैल्यू माइनस, तो हर बार यही चलेगा,
y प्लस स्क्वायर y टू माइनस y वन, तो y माइनस जीरो स्क्वायर। तो आप सीधी सी बात है लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा? जब आपका एक पॉइंट ओरिजिन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पूरी थ्योरी नहीं लगा के डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ये तो था भाई कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। क्या बातें समझ में आई? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा यार, इतना तो मैं बुरा नहीं पढ़ा था कि सब कुछ ही समझ में नहीं आया। जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किए वो पॉइंट्स तुम्हें मेंशन रखने हैं कि क्या क्या बातें एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले बात हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट्स में कैसे अज्यूम करना है, उसको ड्रॉ किया। फिर हमें ये बात समझनी है कि स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, क्यूब रूट कर लो, या फिर आप बोल सकते हो टू से डिवाइड कर लो, सब सेम आएगा। फिर हमें परपेंडिकुलर्स कहाँ कहाँ ड्रॉ करने हैं ये समझना है। फिर एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल के बाद ट्राइंगल बनाना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर सीरीज में याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को दो बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा? देखो कुछ बातें तुम्हें नहीं दिख रही होंगी तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी दिख रही होंगी, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ एकदम मतलब है ना। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके सर हमेशा तैयार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।